बिना भूमिका के बात नहीं बनता। मकान बनाना हो तो पहले भूमि खरीदनी पड़ती है, हवा में मकान नहीं बनता है। तो आज भूमिका बनी है, थोड़ी सी सबके हृदय की भूमिका बनी है। अब सब मानस तैयार किए हैं, नहीं जो बड़े कठोर वाले हैं गुरुजी, कड़वे हैं, ठीक समय से चले आना और बैठ जाना तो माल मिलेगा। और पक्की बात है मेरी माँ, आज आप जैसे हंस रही हो, मैं फिर से तीसरी बार कह रहा हूँ, सातवें दिन तो आप इतने मुस्कुराते हुए जाओगे और आँखों में आंसू भी होंगे कि काश ये सात दिन नहीं सात जन्मों तक ये कथा चलती रहती, हम आनंद करते रहते, मौज करते। कथा जो जीवन में रस भर दे, कथा जो जीवन के समस्त व्यथाओं से तुम्हें मुक्त कर दे। नारद जी ने भक्ति माता को वचन दिया कि मैं तुम्हारे पुत्रों को जवान कर दूंगा। तो नारद जी फिर गए, सनक सनंदन इत्यादि से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा शुभ कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या होता है? बोला भागवत करो। भागवत सुनाया और भागवत जब श्रवण हो गया तो भक्ति माता भी आ गई नृत्य करते हुए और ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम वेद न कर सका, जो काम वेदांत न कर सका, जो काम सिद्धांत न कर सका, जो काम गीता न कर सकी, वो श्रीमद् भागवत कर गया। यह है भागवत की महिमा। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं यह श्रीमद् भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। एक सब्जी बेचने वाले के पास एक छोटा सा पत्थर था चमकता हुआ, उसी से वो धनिया और मिर्ची बेचा करता था 10 वर्षों से। एक दिन एक आदमी आया, बोला भैया ये पत्थर मुझे दोगे? अरे बोला ये तो 50 ग्राम का पत्थर है, मैं क्यों दे दूं? बोला मैं तुम्हें इसके 5,000 रुपए दे देता हूँ। बोला 5,000? और ये तो 10 रुपए का भी नहीं है। बोला नहीं मेरा मन है, मुझे दे दो। उसने उसे लिखवा लिया कि बाद में कचकच नहीं करोगे, एग्रीमेंट साइन हो गया, 5,000 रुपए दे दिए, पत्थर ले लिया। सब्जी वाला हंसा, भैया ये तो बताओ इतने मूर्ख तुम कैसे बन गए, बताओ 5 रुपए के पत्थर को 5,000 में ले जा रहे हो। तो बोला अब तो तुम सिग्नेचर कर चुके हो, मैं तुमको दूंगा तो नहीं? बोला फिर क्या? बोला इसको तुमको पता है क्या? बोला ये कोहिनूर हीरा है, डायमंड है, ये मैं जौहरी हूं, इसके कीमत 1,000 करोड़। और मैं 10 साल से मिर्ची और धनिया बेच रहा था, जिसके तराजू के पड़ने पर 1,000 करोड़ रुपए के हीरे थे, वो 2-2 रुपए के धनिया और मिर्चा बेच करके अपनी जिंदगी को जी रहा था, क्योंकि उसकी पहचान नहीं थी उसके पास, उसके महत्व को नहीं जानता था। जौहरी आया, महत्व को पहचाना, 5,000 में 1,000 करोड़ की संपत्ति खरीद के ले गया। मेरे माता पिता, मेरे प्यारे भाई बहन, श्रीमद् भागवत की अगर महिमा को तुम न समझोगे तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में तुम्हारा हृदय न लगेगा। श्रीमद् भागवत क्या क्या कर सकती है इस जिंदगी में? वास्तव में अगर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर लिया जाए हृदय से, तो ऐसा कौन सा जीवन में समस्या है, ऐसी कौन सी तुम्हारी डिमांड है, ऐसे कौन से तुम्हारे डिजायर हैं जो तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हो सकती? इसलिए प्रथम दिन श्रीमद् भागवत की महात्म को सुनाया जाता है। महत्व न जानोगे तो महत्व दोगे कैसे, महत्व न जानोगे तो सुनोगे कैसे, महत्व न जानोगे तो बच्चों को लाएगे कैसे? तुम्हें तो अभी यही महत्व समझ में आता है कि फोन आता है तो फोन की तरफ देखते हो, बाजार कोई ले जाए तो बाजार चले जाते हो, 500 रुपए वहां खड़ा होकर कोई बांटने लगे तो कथा छोड़ करके 500 रुपए लेने चले जाओगे। और तुम कहते हो मैं गोविंद का भक्त हूं, तुम कहते हो मैं भागवत का भक्त हूं, तुम कहते हो भागवत में श्री कृष्ण विराजित हैं, तुम कहते हो भागवत हमारा ग्रंथ है, तुम कहते हो मैं सनातनी हूं, तुम कहते हो भागवत हम 10 बार सुने हैं, तुम्हें तो इतना भी महत्व मालूम नहीं। शीस दिए जो सदगुरु मिले यहां तो भी सस्ता जान। शीस देने का अर्थ है सर काट मत देना, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा और 302 का हो जाएगा। कई गुरु आया था आत्महत्या के लिए, लोगों को प्रेरित कर दिया, लोगों ने अपना सर काट दिया इसके चक्कर में, बाकी की जिंदगी हमारी जेल में गुजरेगी। शीस दिए जो सदगुरु मिले हां तो भी सस्ता जान। शीस का अर्थ यह है, ये इतना, ये दोनों आंखें, ये नासिका, ये जिह्वा, ये कान गुरु को दान कर दो, देखो तो उनकी आंखों से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सुनो तो केवल उनकी महिमा। कोई सुंदर चीज दिख जाए और मन आकर्षित हो जाए तो अपने गुरु से सीख लो, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। रूप में आसक्त होते हो, जरा सोचो, एक बूंद श्री कृष्ण ने छलकाया है तो सारी दुनिया बन गई, इसी में ऐश्वर्या भी बन गई, इसमें सुष्मिता भी बन गई,
श्री कृष्ण ने एक बूंद छलकाया है. He is not beauty, he is beauty incarnation. सौंदर्य वहां से निकलता है, वो सुंदर नहीं है, सौंदर्य की खान भी नहीं है, सौंदर्य प्रकट होता है वहां से. एक बूंद पूरे संसार को दिया है भगवान ने, और इसी एक बूंद में आलिया भट्ट भी आ गई है. बताओ, एक बूंद 8 अरब आदमियों के बीच बांटा, उसी में इतने मयूर भी हैं. मयूर कितना सुंदर है, कैसे कैसे पंछी हैं, कैसे कैसे वृक्ष हैं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे मनुष्य हैं. एक बूंद में इतनी सुंदरता है, तो जहां से बूंद आई होगी वो कितना सुंदर होगा. तो श्री कृष्ण की एक बूंद की सुंदरता में सारी सुंदरता है. जो इस बात को समझ गया वो कभी किसी सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर के श्री कृष्ण का परित्याग नहीं करेगा. श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता, श्री कृष्ण के लिए सब छोड़ सकता, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता.